हेलो फ्रेंड्स, हम तुम ब्लॉग स्पॉट में आपका स्वागत है। गर्मियां बहुत हो गई हैं और शाम के बज रहा है 5, तो आज हम आम का पन्ना बनाएंगे, जिसमें हम आम के साथ में बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी हम आपको भी दिखाते हैं। ये आपका अदरक का टुकड़ा है 1 इंच, एक नींबू मैंने ले रखा है, ये भुना हुआ जीरा है, ये आपका जो है चाट मसाला, काला नमक, पुदीने की पत्ती है, और ये आपका कच्चा आम है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में या तो कुकर में पानी डाल के उबाल सकते हैं। तो मैं इसको अब हम इस आम को जो है माइक्रोवेव में पका लेते हैं। पकाने के बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। अब हम पुदीने को और जो है अदरक को लेके इसको तब तक ग्राइंड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आम पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम इसका छिलका निकाल के गूदा इसका निकालेंगे। अब हमने आम का गूदा निकाल लिया प्रॉपरली। अब हम आम के गूदे को ब्लेंडर में डाल लेंगे। इसमें डालने के बाद मैंने पुदीने को पीस रखा है, तो इसको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। भुना हुआ जीरा है, चाट मसाला, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, ये काला नमक है, और हम अब इसे इसमें 2 या 3 बर्फ के टुकड़े डाल लेते हैं। और अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अभी हमारा आम पन्ना पूरी तरह से मेल्ट हो गया, देख सकते हैं। अब हम सर्व करते हैं, तो हम सर्व करने के लिए इसमें एक एक आइस क्यूब डाल देते हैं। और अब इसमें हम आम पन्ना इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। अभी हमारा आम पन्ना तैयार हो गया है। आइए मैं पास से दिखाती हूँ कि कैसा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम इसे आज टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा बना हुआ है। वाओ, वेरी नाइस, वाकई बहुत टेस्टी बना हुआ है आम पन्ना। मैं तो कहूंगी एक बार आप लोग भी ट्राई करिए, गर्मियों का मौसम चल रहा है, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आम पन्ना कैसा लगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।